कैसे आप लोग? और ये जो वॉल है ना, ये बहुत लोगों को पसंद आया। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, हालांकि मैंने बताया अपने ब्लॉग में कि कहाँ से लिया है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, कुछ 199 समथिंग प्राइस था, पर प्राइस आप चेक करना, हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस तरह से आप। और मैं एक वीडियो बना रही थी और पीहू को लगी थी भूख, तो मैंने पीहू को कब से मैगी खाना था, तो मैंने मैगी बनाया है देखिए, और पीहू के लिए थोड़ा सा निकाला है। और बस मैं मैगी खाऊंगी और फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड, जरूर बताना। और वो देखिए मेरे पीहू रानी वहाँ पे खेल रही है। और वैसे ये टॉप कैसा लग रहा है जरूर बताना। ग्रीन कलर इज माई लकी कलर, तो मैंने इस बार सोचा ग्रीन कलर लेती हूँ। और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, बहुत अच्छा है ये, और इसका फील अच्छा है, बट आप गर्मी में नहीं पहन सकते उसे, थोड़ा सा गर्मी लगता है, बट फील बहुत अच्छा है इसका। और अच्छा लग रहा है ना, कैसा बताना जरूर, हाँ कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग? और मैं यहाँ पर दे रही हूँ ब्लड, यू नो ब्लड डोनेशन कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये सुबह ही आ गए थे 8 बजे, और उसके बाद आए थे कुछ खाना खाने के बाद, मुझे वापस से ब्लड देना था 10:30 को। सो हमने घर में ही बुलाया इस तरह से, बाहर जाने के लिए पता है ना क्या चल रहा है, मतलब जाने के लिए डर लगता है, तो ये घर में बुला लो ना तो इस तरह से बहुत अच्छा हो जाता है। सो बस यहाँ पर मेरा ब्लड निकाल रहे हो, माय गॉड, मुझे बहुत डर लगता है सुई से, बहुत ज़्यादा, किसे किसे डर लगता है ज़रूर बताना। बट मैं यहाँ पे वीडियो ले रही हूँ ना, और यहाँ पे पीहू भी उठ के आ गई थी, देख रही थी, तो मुझे लग रहा था पीहू जोर जोर से रोने ना लगे, बट थैंक गॉड कि पीहू कुछ ऐसा किया नहीं। सो यहाँ पर जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि किस चीज़ का चेकअप हो रहा है ये। सो यहाँ पर हर यू नो 3 महीने में चेकअप होना कराना पड़ता है, थायराइड प्रोफाइल एंड ऑल। सो प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा सब केयर करना पड़ता है, बस वही कर रही हूँ। और रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो रिपोर्ट पता नहीं क्यों गड़बड़ सी आई है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी घर में है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बाहर जाना नहीं हो रहा है, क्या है, बट मैं बहुत सारे प्रिकॉशन लेती रहती हूँ, खाने पीने में भी बहुत कुछ परहेज़ करती हूँ, बट कहते हैं ना जो होना रहता है ना वही होता है। एनीवे मैंने सोचना ही बंद कर दिया है, जो होगा बेस्ट होगा, बस यही सोचती हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, और दैट्स इट फ्रेंड्स। और रिपोर्ट अभी मुझे दिखाना है डॉक्टर के पास जाके, उसके बाद मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। बस थोड़े थोड़े ब्लॉग ले रही हूँ, जो जो जब मुझे मन कर रहा है ना तब मैं ब्लॉग ले रही हूँ, वो सब आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं थोड़ा सा वीडियो कम बना रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि व्यू नहीं आते ना तो अच्छा भी नहीं लगता इस तरह से ब्लॉग करना, एक तो आपकी तबीयत भी ठीक ना हो और उसके ऊपर ब्लॉग करना, और लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, पता नहीं, जो हमारी लाइफ है हम वही दिखाते हैं यार, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते, लोगों को शो ऑफ चाहिए तो पता नहीं क्या। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ सेसिमो का मॉस्किटो किलर लैम्प, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल मत लेना। जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कुछ इंसेक्ट आते रहते हैं, मच्छर के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं कैसे कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, ट्रैपिंग होगा, बट 2 दिन मैंने कंटिन्यू लगा के रखा, सिर्फ 1 मच्छर उसके अंदर आए थे बस। और इसका वायर भी देखिए बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस तरह से मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, इसका रिव्यू भी मैंने अच्छा पढ़ा था, बट मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आप लोग इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इस तरह से कोई ट्रैपिंग आता है तो। मैंने सोचा इसकी अलग से वीडियो बनाऊं, बट सोचा चलो ब्लॉग में ही इंक्लूड कर देती हूं। तो यहां पे है इसके सब फंक्शन क्या क्या है, एलईडी लाइट है, 360 डिग्री है, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आप लोगों को बोलूंगी बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत करना। करने वाली हूं मैं पीहू को भी, एक मैंने वीडियो बनाया यहाँ पर कि शैम्पू में क्या 2 चीज़ मिलाए कि आपके बाल सिल्की हो, सच में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है फ्रेंड, इसकी एक अलग से वीडियो, तो ज़रूर आप लोग चेकआउट करना। और पीहू देखो कितने एक्साइटेड थी ना, बोलती मम्मा मुझे लगा के बताऊँ, मुझे लगा के बता, तो पीहू को बस लगा रही हूँ यहाँ पर, डेमो दिखा रही थी मैं, और बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं सिल्की एंड शाइन, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर देखना वीडियो। और मैं यहाँ पर वही बता रही थी कि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बट यहाँ पे गाना चालू था ना तो कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया आवाज़ को। क्या बना रहे हो बाबू, क्या बना रहे हो?
माय गॉड, मैं ही नहीं मेरी बेटी भी बहुत बड़ी फैन है आपकी। ये देखिए क्या देख रही है, ये मतलब मैं इतनी सरप्राइज हूँ कि ये एक बार नहीं, मतलब हर बार मैंने देखा है पीहू जो डॉग है ना, वो संभावना जी के कितने मतलब कितना प्यार करती हैं, तो उन्हें देख उसे देख रही पीहू और इतनी सरप्राइज है। और पीहू कितने बार मुझे बोलती, मम्मा देख मुझे भी ऐसा पपी चाहिए, मुझे भी ऐसा पपी चाहिए। मतलब मैं कितनी सरप्राइज हूँ कि मैं ही नहीं मेरी बेटी भी फैन है इतनी बड़ी। तो सच में यार, मतलब तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इतने छोटे छोटे यूट्यूबर भी देखिए आपके कितने बड़े फैन है, मतलब कि सच में आप, और इतना अच्छा लगता है ना आपकी हंसी देख के, आपके जो हंसते हो ना, तो हमें और पीहू दोनों साथ में हंसते, और पीहू को भी पता चल गया कि हाँ ऐसा कोई ब्लॉग होता है, मतलब ऐसा मतलब अभी के बच्चों को कुछ बताना नहीं पड़ रहा। तो मैं इतनी सरप्राइज थी कि कार्टून देख रही होगी, बोलती मम्मा मम्मा देखो ना, मम्मा देखो कहाँ लेके जा रहे हैं आज पपी को। और मेरे पीहू ने बोला, मम्मा आप क्यूट लग रहे हो, थैंक यू लल्ला। मैं लल्ला के लिए गिफ्ट रखा हूँ, और ना ऐसे वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा मैंने टीवी पीहू को टैबलेट देती हूँ, बाद में ले लेती हूँ, और पीहू का गिफ्ट मैं दिखा देती हूँ। पीहू कब से मुझे बोल रही थी मम्मा गिफ्ट ये रहा। तो ये गिफ्ट है ना फ्रेंड्स, कम से कम आके 4-5 दिन हो गए हैं, और आज मैं दूंगी अपने लाडो रानी को। और ये एजुकेशनल ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर हाँ आप लोगों को चाहिए ना, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। जिस बंदे से मैंने लिया है उनका नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट ऐसे खोल नहीं सकते ना, तो इसे भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ पहले। वैसे तो मैंने इसे सैनिटाइजर कर ही दिया है। बैठो इधर, पहले बैठो बैठो, मैं चकुला। पीयू कितने एक्साइटेड है। क्यों, क्या है ये? माय फर्स्ट एबीसी बुक। तो कुछ इस तरह से आया है ये, और ये है, ओ माय गॉड, बुक। पीहू लाइक इट? पीहू लाइक इट? एबीसी पीहू अच्छा लगा आपको? हाँ लाइक इट, यहाँ देख के बोलो फिर। मैंने एफबी पे देखा था और मुझे इतना अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, मैंने सोचा कि पिलो के ऊपर एबीसी लिखा है कुछ इस तरह से, तो पीहू को सुलाते वक्त भी मैं ऐसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। और वॉशेबल है, इसका कलर नहीं निकलेगा, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पास से, बहुत सॉफ्ट है, और इसे पीहू सो भी सकती है ना। मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा होगा, बट छोटा है, बट एनीवे। ये देखिए पीहू को, पीहू सो रहा है मेरा बच्चा। जो छोटा कौन है लल्ला, जो कौन छोटा है? हैप्पी पीयू, हैप्पी। देखो मेरा, देखो पीयू का एबीसी। और सुना दो पहले, फटाफट फटाफट सुना दो, फिर सुना दो अब ए तो। फॉर एप्पल, एप्पल। ए फॉर बॉल, ए बी फॉर फॉर कैट, बॉल, ए फॉर सी डी फॉर डॉग। पीयू ए फॉर एप्पल, ए फॉर बॉल, ए फॉर कैट, ऐसे बोलती है। ई फॉर एलिफेंट, नहीं, ए फॉर पीयू को ये पता है कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर इंक, मतलब सब फाइंड आउट कर लेती है, लेकिन बी फॉर बॉल इस तरह से नहीं बोलती अभी। तो ये बच्चों का ना सच बोलो तो ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ना अभी तक तो स्कूल गए नहीं, और ये इनकी एज है कि हम इन्हें एबीसीडी बताओ भी, मतलब सुनते तो है नहीं बच्चे की, मेरा तो पीहू बिल्कुल सुनती नहीं, तो जो भी करती पीहू मैं करने देती हूँ उसे। तो इस तरह से हो गया, अगर पीहू को एबीसीडी भी आता तो मैं रिवीजन ले लेती, कुछ करती, बट एलिफेंट, ऐसा हो गया। डॉग, कैट, मंकी, लायन, रैबिट, यस, शी, याक, और जेब्रा, और बटरफ्लाई, और लायन, और टाइगर, कार, काऊ, और काऊ, पीयू काऊ का दुख पीता है ना, गॉड, और गोर, आउल, पिकॉक, आउल, पिकॉक, कौआ, पिजन, पिजन, हैन। ये क्लैप फॉर माय डॉटर, क्लैप फॉर माय शोना, लल्ला मेरे बच्चों। ट्री, ट्री, प्रिंसेस।
सो अभी हमें जाना है बाहर, पीयू के पापा का फोन आया था। जाना है ठुन्नी के पास, पीयू कुछ भी बोलती है तो बाहर जाना है। और एक मैंने वीडियो बनाया है इनके ऊपर, बहुत ही अच्छा है सच में, आप लोग जरूर ट्राई करना। और देखूंगी, थोड़ा बहुत सीन लेती हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं गए, तो बोले चलो थोड़ा सा एक राउंड मार के आते हैं। बस एक राउंड मारूंगी और मैं ब्लॉग नहीं बना रही, बस थोड़ा रैंडम ब्लॉग है ये मेरा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होप्स आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उस तरह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही, काम करते करते उसमें ही थक जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, सो बहुत सारे लोग आप लोगों का प्यार प्लीज मत ये करना कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही, तो प्लीज मुझसे दूर मत होना। अपना प्यार इसी तरह से देते रहना, है ना लल्ला? जुद्दू होना, जुद्दू। बोला हम लोग मिलते हैं मम्मी के साथ, जुद्दू होना। डुडू मनी वे लाल यू लल्ला मुल्ला बल। सो फ्रेंड, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, और हस्बैंड जी बोल रहे थे बाहर जाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, फिर मैं नहीं गई क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मैं बना रही साबूदाना की खिचड़ी, तो साबूदाना मैंने भिगा के रखा था कम से कम 2-3 दिन पहले, रोज़ सोचती थी बनाने के लिए, बट आज सोचा आज बना ही लेती हूँ। और यहाँ पर इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया था, चिली लिया था और उसके बाद यहाँ पे रोस्टेड करके मैंने, रोस्ट करके मैंने सेंगदाना रख लिया था और उसे मिक्सर में पीस लिया, और छिलका भी मैंने नहीं निकाला, इसी तरह से मैंने पीस लिया था। और अगर आप इस तरह से बनाते हो ना तो बहुत ही अच्छा बनता है साबूदाना, चिपचिप बिल्कुल नहीं बनता। और साबूदाना भी देखिए मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी चिपचिप नहीं हुआ है। और सेंगदाना अगर आप बाद में डालते हो तो थोड़ा सा चिपचिप लगता है, ये मैंने बिंदु दीदी से सीखा था। और यहाँ पे देखिए सॉल्ट डाल रही थी और कैमरा बंद कर दी थी, उसके बाद थोड़ा सा डाला मैंने। और यहाँ पे धनिया डाल दिया है और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और बिंदु दीदी ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, उनके हाथ से आप साबूदाना ज़रूर खाना। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को पूछ रही हूँ कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने किया था थोड़े से फ़ोटो शूट जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब ऐसे कभी कुछ अच्छा लगता है ना और बहुत अच्छा मूड होता है ना, तो इस तरह से फ़ोटो मैं निकालती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मेमोरी कलेक्ट करना। एंड आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना। और ये जो हेयर केयर मैंने बताया ना फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर यूज़ करना। और मिलती हूँ आप लोगों को इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, घर पर रहिए सेफ।